शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के आसपास काफी टाइम से अतिक्रमण होते चले आ रहे हैं, जिसकी खबर भी मीडिया में लगातार चली आ रही थी, जो शासन प्रशासन की निगाह में एक चैलेंज बनता जा रहा था, जिसको लेकर शासन प्रशासन ने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को अपनी दुकान हटाने का 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद ज्यादातर लोगों ने अपना अतिक्रमण खुद ही हटा लिया। लेकिन जिन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया था, उनका अतिक्रमण आज प्रशासन द्वारा शक्ति के साथ हटाया गया। इस दौरान CMO नगरपालिका शैलेश अवस्थी, TI कोतवाली सुनील खेमरिया, यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव, सूबेदार प्रियंका घोष एवं नगरपालिका एवं पुलिस का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, ये मेडिकल कॉलेज पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, क्या मामला है? देखिए, ये जो मेडिकल कॉलेज है जी, ये शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे शहर की शान है, तो इसको हम खराब होने नहीं देंगे। जितने लोग यहाँ व्यवस्थित तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं, लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा है, हटाया जाएगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि 90% लोगों ने हमारी कल की चेतावनी के बाद अतिक्रमण को हटा लिया है। जिन लोगों ने नहीं हटाया है, प्रशासन और नगर पालिका पुलिस, हम सारे लोग मिल के कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अगर सर दोबारा रखते हैं अतिक्रमण, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? दोबारा रखेंगे तो इससे भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ केस भी दर्ज किए जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।